से एक बार फिर मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात। तो हिमाचल की बात, 3 जनवरी आज हमारे बीच में है, 4, 5, 6 आप सभी लोगों को जानकारी है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र में आप लोगों को जानकारी है कि बहुत सी लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसी दौरान यहां पर हमारे बीच में कौन मंत्रिमंडल है ये भी निर्णय हो सकता है। उसके साथ हमारे बीच में ये भी बात हो सकती है कि भाई यहां पर 4, 5 को तो हमारे बीच में 5 तारीख को हमारे बीच में जो हमारे स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं उनका चुनाव होना है। ज्यादातर नेता उससे टल रहे हैं कि भाई स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं हमें मंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो बनाया जाएगा। और उसी में अभी यहां पर माथापच्ची चली हुई है, 4 तारीख को यहां पर शपथ ग्रहण है और सभी लोगों का यहां पर जो प्रोटेम स्पीकर है सभी को शपथ ग्रहण करवाएंगे और आगे की बात यहां पर चलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज कांग्रेस यहां पर जोरावर स्टेडियम जो धर्मशाला में है वहां पर जुड़कर अपनी जन आभार रैली करने वाली है। वहां पर वो जनता का यहां पर धन्यवाद करेंगे कि उन्हें इस तरह का मैंडेट यहां पर सरकार बनाने के लिए जनता द्वारा दिया गया है। और वो मैंडेट के लिए आज वो यहां पर जो यहां पर उपस्थित रहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री तो होंगे ही, उनके साथ उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में होंगे मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे, और उसी के साथ साथ प्रतिभा सिंह जी और राजीव शुक्ला जी यहां पर हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, ऐसी यहां पर जानकारी हमारे पास है। और वो जनाभार रैली के बाद कल से हमारे बीच में विधानसभा का सत्र यहां पर शुरू होने वाला है। और इस विधानसभा के सत्र की यदि हम बात करें तो विधानसभा के सत्र में बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ओपीएस की बहाली भी इसी सत्र से हो जाएगी। अगर इसी सत्र के दौरान यहां पर कैबिनेट बैठती है, अमूमन ऐसा होता भी है कि कैबिनेट बैठती है सत्र के दौरान, अगर ऐसा होता है तो यहां पर ओपीएस की बहाली यहां पर होने की बहुत प्रबल संभावना अवश्य है। और उसके लिए जब भी हम बात किए, कल भी आप लोगों को बताया था सुबह का मॉर्निंग बुलेटिन जिन लोगों ने देखा होगा कि यहां पर जब यहां पर मुख्य सचिव जी से बात की गई तो मुख्य सचिव जी ने भी यही कहा कि देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहले तो केंद्र को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उनसे कहा है कि जो 8,000 करोड़ आप लोगों के पास एनपीएससीए वालों का है वो वापस कर दिया जाए, और अगर वो वापस कर दिया जाए तो उसके बाद यहां पर हम लोगों को जो ओपीएस देने में आसानी होगी। लेकिन अगर वो नहीं किया जाता है तो प्लान बी है, और प्लान बी वो बताएंगे कैबिनेट के द्वारा। तो अभी तक उन्होंने भी अपने पत्ते जो है बहुत क्लोज रखे हैं, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे जी मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे हमेशा अपने पत्ते बहुत क्लोज रखते हैं, वैसे ही यहां पर जो हमारे मुख्य सचिव है चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी ऐसा ही किया है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई देखिए पहला तो यही ऑप्शन है, जैसे कि पहले भी कहा गया था कि बिना जो हमारे बीच में केंद्र के सहयोग के बिना यहां पर यह होना बहुत असंभव सा लगता है कि भाई हमारे बीच में जो लोग हैं उनको ओपीएस दिया जा सकता है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी अगर वो नहीं बन पाती है तो यहां पर ओपीएस देने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, और वो जो प्लान भी है वो कैबिनेट के दौरान बताएंगे। अभी कैबिनेट कब होती है इसके बारे में हालांकि अभी तक संशय है, लेकिन 4, 5, 6 को ये कैबिनेट हो सकती है। आज क्या होने वाला है आज आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जन आभार रैली होने वाली है। जन आभार रैली यहां पर करेंगे, 3 तारीख है आज हमारे बीच में, और वहां पर 15,000 जो लोग हैं अलग अलग 15 ब्लॉकों से कांगड़ा के वहां पर वो पहुंच रहे हैं, और उसके लिए यहां पर 11:30 बजे से ये रैली शुरू होनी है और 2:30 बजे तक ये चलनी है। दिल्ली से धर्मशाला अभी जो आज सुबह हमारे बीच में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहुंचेंगे, उसके बाद आप लोगों को पहले बता दें कि हमारे बीच में इस जैसे मैंने पहले भी बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उसी के साथ प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला जी, और उन्हीं के साथ साथ सह प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस के सभी विधायक उपस्थित रहने के लिए यहां पर कहा गया है। जोरावर स्टेडियम में शुरू होगी, 2:30 बजे तक चलेगी, और उसी के साथ साथ पहली बार कांगड़ा आ रहे हैं इसलिए उनका आभार यहां पर किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अब जो उसके साथ जो महत्वपूर्ण है, देखिए आप लोग जरूर इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं, ये मैं हमेशा कहता रहता हूं, मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, और अगर आप ऐसा करते हैं तो और लोगों तक भी स्ट्रीम पहुंच पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसी के साथ जो महत्वपूर्ण है वो भी ज्यादा ज्यादा सुन लीजिए, जो खबरों में महत्वपूर्ण है वो भी बता देते हैं। हमारे बीच में जो आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विधायक जो है वो हमारे बीच में यहां पर अपने विधायक दल की मीटिंग करेंगे। देखिए केवल 0.9% चाहे वोट मार्जिन से यहां पर कांग्रेस जीती हो, लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है, सरकार कांग्रेस की बनी है। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यहां पर पहुंच चुके हैं, सभी लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और आज शाम को यहां पर विधायक दल की बैठकें दोनों पार्टियां यहां पर करेंगी। आप लोगों को बता दें कांग्रेस विधायक दल की बैठक 7 बजे सर्किट हाउस में होगी, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक 7 बजे एक निजी होटल में होने वाली है। तो ये दोनों बैठकें आज होंगी। जो कांग्रेस की बैठक है वो तो ऑब्वियस है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होंगी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में होगी, और जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है वो भारतीय जनता पार्टी की जो ये
जो ये बैठक होगी विधायक दल की, उसे यहां पर अध्यक्षता उसकी यहां पर करेंगे। पहली खबर तो ये होगी जी। उसी के साथ साथ, कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई मुख्यमंत्री बना और उसने अपना पहला वेतन अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए यहां पर दान कर दिया? हालांकि हमने ये आप लोगों को कल भी ये जानकारी दी थी, उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बता रहे हैं और इसे जरूर शेयर कीजिए, बहुत से लोगों को बहुत प्रेरणा मिल जाएगी। और जो कांग्रेस के मित्र हैं वो तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि आप लोगों जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट ये रहेगा। और स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए, लगातार लाइक करते रहिए, तो कहूंगा मैं। देखिए आप क्या सोचते हैं और वो भी बताइएगा। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सुखाश्रय योजना, ये सुखाश्रय कोष जो शुरू किया है, उसमें आप लोगों को पता है कि 101 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है गरीबों और असहायों के लिए, उन अनाथों और असहायों के लिए जिन लोगों का कोई नहीं है, वहां की हिमाचल सरकार है उन लोगों के, जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनका खर्च भी वो लोग वहन करेंगे, उनको भत्ता भी देंगे, जो एक पॉकेट मनी होती है वो भी देने की यहां पर बात हुई है और वो सब यहां पर चल रहा है। तो उसके बारे में आपको बता दें कि सहायता कोष में, उस सुखाश्रय सहायता कोष में अभी ये जो पैसे हैं, पहला अपना सैलरी जो है वो मुख्यमंत्री जी ने देनी है, दी है। और उसमें आप लोगों को बता दें कि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री को छोड़कर जो कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो भी यही करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी वालों से हम वो ले सकते हैं कि भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा किया जाए। उन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी कही है कि ये करुणा का कदम नहीं है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करुणा हम दिखा रहे हैं किसी के प्रति, जो गरीबों के प्रति या अनाथों या असहायों के प्रति करोड़ दिखा रहे हैं, नहीं, बल्कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जो अगर इसमें दान करेगा, जो ये कोष है उसमें दान करेगा, जो हमारे बीच में सुखाश्रय कोष है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष है, उसमें अगर दान करेगा तो आम आदमी भी उसमें दान करने का प्रयास कर सकता है, आम आदमी यानी मेरे और आप जैसे लोग। तो वहां पर जितना आप लोगों की हैसियत हो, जितना आप लोगों का यहां पर कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप जरूर वहां पर दान कीजिए, छोटी छोटी मदद से ही, बोल कहते हैं ना बूंद बूंद से जो हमारे बीच में पूरा घड़ा भरता है, तो ये इन लोगों की भी मदद हो जाएगी और उसके लिए आपको भी जो भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा वो अलग। तो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पहली सैलरी यहां पर दान कर रहे हैं सुखाश्रय में, सुखाश्रय कोष जो अनाथों और असहायों के लिए बनाया गया है, उनकी पढ़ाई के लिए गया है। तो आप लोगों को भी जब भी मौका लगे आप जरूर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा और एक अच्छा एक मैसेज यहां पर जाएगा। और स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों को प्रेरित करने के लिए, भाई और लोगों को भी यहां पे उससे प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की तरफ को बढ़ते हैं, वो यहां पर मंच पर रो पड़े। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जीत के बाद पहली बार सिराज विधानसभा क्षेत्र में गए थे और उन्होंने वहां पर जब लोगों को देखा, उनका हुजूम देखा, तो वो रो पड़े। उन्होंने यहां पर कहा कि हमने प्रदेश में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन सिराज जीत गए, मंडी जीत गए, प्रदेश में पता नहीं कुछ थोड़ी सी जो कमी रह गई, और वो जो है उनका जो जनता है सिराज की, उनका वो स्नेह और आशीर्वाद जो उनको दिया है, उसका कर्जा वो कभी नहीं उतार सकते, और उनके आंसू छलक गए इस दौरान। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश में, ये सुन लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सरकार को वो घेरने का प्रयास करेंगे, सरकार को गिराने का प्रयास वो नहीं करेंगे। उन्होंने ये बहुत साफ किया यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने कहा कि हम सरकार को घेरेंगे, गिराने का प्रयास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेशन लोटस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में ही कई सर्जन है जो ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष के शब्द है। और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो बदले की भावना से काम कर रही है, और हमने भी अपने टाइम में पुराने 6 महीने के जो यहां पर निर्णय लिए गए थे उन्हें रिव्यू किया था, लेकिन डीनोटिफाई कुछ नहीं किया था। अब यहां पर जो ये सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो डीनोटिफाई करके यहां पर बदले की भावना से काम कर रही है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रदेश के विकास के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी बात यहां पर ये नहीं है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे, प्लीज दबा दीजिए, ऐसे ही कह सकता हूं अभी। चलिए जी, तो सरकार क्या कहा है यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कहा है देखिए हमें तो यहां पर ऑपरेशन लोटस करने की आवश्यकता ही नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही बड़े बड़े सर्जन बैठे हैं जो उनका ऑपरेशन लोटस खुद ही कर देंगे, और यहां पर जो कांग्रेस है वो बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने लोगों का आभार जताया जिन्होंने इतना प्यार उनको यहां पर दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई आने वाले समय में भी वो लोगों की आवाज बनकर उठेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है और विपक्ष हमेशा लोगों की आवाज उठाने का प्रयास करता ही है, उम्मीद है ये सरकार भी वैसे ही करेगी। उसी के साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहां पर यह कहा है कि बाहरी निवेशकों के लिए वो द्वार खोले जाएंगे और 7 दिन के भीतर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रक्रिया यहां पर पूरी की जाएगी। ये विंटर कार्निवल के दौरान वो कह रहे थे। उन्होंने यहां पर जितने भी हमारे बीच में जो महिला मंडल हैं उनको भी जो अनुदान राशि मिलती है वो भी बढ़ाने की बात यहां पर कही है,
उन्होंने कहा कि जो निवेशकों के लिए सरकार एक नोडल एजेंसी बनाएगी और वो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी यहां पर देगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बार बार बड़े निवेशकों को बड़े प्रोजेक्टों को मंजूर करवाने के लिए निवेशकों को वित्तीय विभाग दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नोडल एजेंसी से ही वो हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और 7 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि जो पलटवार वो करा उन्होंने विपक्ष पे जो घेरा, विपक्ष को यह कहा कि देखिए कांग्रेस के विधायक सरकार बनने के बाद एकजुट होकर काम कर रहे हैं, वो हर फैसले में विधायक जो है वो सरकार के साथ है, कोई विधायक मंत्री पद के पीछे नहीं है। हालांकि ये तो एक स्टेटमेंट होगी, ये तो एक कहने वाली एक औपचारिकता होती है जो हमेशा कही जाती है, और सभी के सभी जो है वो कोई मंत्री पद के पीछे नहीं दौड़ रहा, लेकिन लोगों के काम करने के लिए यहां पर जुड़े हुए हैं। चलिए जी, एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध रहेगा, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें जितना ज्यादा हो सके। सुबह सुबह का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग है। छोटू चौहान जी, कृष्ण शर्मा जी, जिन जिनके नाम मैं पढ़ पाऊंगा उनको तो गुड मॉर्निंग में बोल दूंगा, जिनके नहीं पढ़ पाऊंगा उनको अगली बार। चलिए इसके साथ साथ अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं। यहां पर मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है, एक आप लोगों का नारा याद होगा जो यहां पर जयराम ठाकुर जी बोलते थे कि मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस बार उन पे सीधा निशाना बोला है और उन्होंने कहा है कि आप हार नहीं पचा पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, और मंडी हमारी है और 2024 में हम आपसे छीन भी लेंगे। ये इसको भी सुन लीजिए यहां पर क्या ये कहा है उन्होंने कि जो बात हो रही थी कि हमारा, उन्होंने कहा कि 2024 में फिर से हमारा सांसद वहां पर काबिज हो जाएगा। और अग्निहोत्री जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को उनको मैंडेट लोगों ने दिया है, सत्ता में बिठाया है, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष का जो काम है कि उसकी अच्छे से भूमिका वो निभाए वो उनको करनी चाहिए, लेकिन जो जयराम ठाकुर जी बयान दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो हार ही नहीं पचा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाई कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता नहीं है, और उसी के साथ साथ अभी से उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी उसे हताश होने की क्या आवश्यकता है, अभी तो पहले ही सत्र है, और अभी से अगर वो हताश होंगे तो अभी आगे क्या होगा वो कैसे देखेंगे। अगर इतने व्याकुल रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी व्याकुलता दिखाना भी सही नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने हार का मंथन करना चाहिए कि भाई हार क्यों हुई। आप लोग क्या कहेंगे, जवानी जो जंग है वो बहुत बढ़िया से चल रही है हिमाचल प्रदेश में इस समय पर। अब ऐसे मुद्दों पर आ जाते हैं जो जनता के लिए, ये भी जनता से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं कि जो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये मुद्दा जो सीमेंट विवाद का हमारे बीच में चल रहा है उसको भी आप लोगों को बता देते हैं। तीसरे दौर की वार्ता हमारे बीच में पिछले कल हुई, वो भी विफल हो गई, और उसके बाद अब कोई यहां पर समझौता नहीं हुआ। जो अडानी समूह है उसके साथ साथ यहां पर ट्रक ऑपरेटर, कोई समझौता यहां पर नहीं हुआ। अब यहां पर राज्य सरकार की हिमकॉन एजेंसी को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है, और कंसल्टेंट शुक्ला कमेटी के तय फॉर्मूले के आधार पर माल भाड़े के दरें तय करेगी, और 4 दिन के भीतर कंसल्टेंट जो एजेंसी है वो अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसे दोनों पक्षों की बैठक बुलाई जाएगी, 4 दिन के बाद दोबारा बैठक होनी है जी। तो आपको बता दें कि अभी जो हमारे बीच में ये बैठक चली थी वो हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन की अध्यक्षता में 11:30 से 4:30 बजे तक चली थी, जिसमें दाड़लाघाट और ब्रह्माणा के ट्रक यूनियन के 50 और अडानी समूह के 7 प्रतिनिधि थे, लेकिन फिर से ये विफल रही। जो सीमेंट ऑपरेटर्स, जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो कह रहे हैं कि भाई इससे कम में हम लोग नहीं, हम लोगों को 12 नहीं खाएगा। अडानी जी बोल रहे हैं कि भाई इससे इतने ज्यादा में हमको 12 नहीं खाएगा। तो इस दोनों के 12 खाने के चक्कर में बहुत लोगों का रोजगार यहां पर भी लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाए और कमेंट के माध्यम से आप बताएं ये जो हमारे बीच में ये जो सीमेंट का संकट है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अडानी समूह ने ऐसे समय पर अपने हाथ पीछे खींचे हैं जब नई नई सरकार बनी थी, एक तरह से जो घेरने के लिए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया। आप लोगों के अनुसार कौन इसमें बड़ा विलेन है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास यहां पर यही कर रही है कि भाई कुछ बात निकले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बात यहां पर निकलेगी। उसी के साथ एक किसान कंधे पर हल और गले में कीटनाशक की दवाइयां लेकर मुख्यमंत्री से मिलने निकला हुआ है, यह कौन है आप लोगों को बता दे। ये किसान हमारे बीच में जो सोमवार को इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, बद्दी से इन्होंने शुरू करी, और हिमाचल के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप लोगों को बता दें लाइक राम साई में अपना खेती से ये यात्रा शुरू की, और हाथ में तिरंगा लिए ये किसान बद्दी पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ऐसा भी होता है कि भाई उसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, किसान कर्जे ले रहे होते हैं ताकि वो अपना काम कर सके, मेहनत करने के बावजूद कर्ज के तले डूब जाते हैं और सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। इसी एक बात को लेकर वो यहां पर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये बात है, और एक अकेला
व्यक्ति यहां पर लाइक राम जी यहां से आगे को चले हुए हैं और किसानों की आवाज बनके चले हुए हैं। थोड़ी सी आवाज आप भी बन जाइए, उनकी आवाज को शेयर आगे कर दीजिए ताकि और लोगों तक पता चले। तो पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद दिल्ली की ओर वो जाएंगे जैसे कि उन्होंने यहां पर बताया हुआ है। चलिए जी, इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बता दें कि हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के जवान जो है, पुलिस के जवान, वो चीनी और तिब्बती भाषा सीख रहे हैं। उसके बारे में भी बता देते क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों ने देखा होगा दलाई लामा की सिक्योरिटी में एक औरत घुस गई थी जो चीनी औरत थी, उसे जासूस थी। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए और सीमा से सटे हुए गांव में समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है यहां पर, यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है चीनी और उसके साथ साथ तिब्बती भाषा का। आप लोगों को बता दें हिमाचल प्रदेश में 21,000 से ज्यादा तिब्बतियन रहते हैं और उनके साथ ये प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उसके बाद उन्हें बॉर्डर से साथ लगते गांव में तैनात किया जाएगा। और किन्नौर लाहौल स्पीति के जिले में 240 किलोमीटर की सीमा जो है वो चीन के साथ एक तरह से साझा होती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 48 गांव है, 36 किन्नौर में है और उसके साथ यहां पर 160 किलोमीटर की जो ये सीमा है हमारे बीच में वो जो किन्नौर वाले हैं वो 160 किलोमीटर की सीमा में रहते हैं। 12 गांव लाहौल स्पीति के हैं जो 80 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं तिब्बत चाइना बॉर्डर से। और वही है, लोगों का पलायन भी वहां से, लोग वहां से जा रहे हैं, उसको भी रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है किसी तरह की कोई गलत गतिविधि तो यहां पर हमारे बीच में वो लोग नहीं कर रहे जो हमारे बीच में क्षमा चाहेंगे चीनी जासूस है या गवर्नमेंट है वो वहां पर तो नहीं कर रहे। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है बच्चों के लिए और उसी के साथ कॉलेज के बच्चों के लिए भी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज 12 तारीख तक, 4 फरवरी तक बंद रहेंगे। 12 फरवरी तक जो विंटर स्कूल्स हैं उनमें स्कूलों में छुट्टी रहेगी और उसी के साथ साथ जो समर क्लोजिंग स्कूल्स हैं उसमें 11 से 16 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। दोबारा सुन लीजिए, 12 फरवरी तक हमारे बीच में विंटर स्कूल में वैकेशन रहेंगी और कॉलेज जो है वो 4 फरवरी तक बंद रहेंगे और जो जो समर क्लोजिंग स्कूल है वो 11 से 16 तक यहां पर बंद रहेंगे। तो ये आज का सुबह का हमारे बीच में मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात। आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से जितनी भी हमने बातें यहां पे आपके बीच में रखी उस पर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई मुद्दा है, आप उसे पहुंचाना चाहते हैं मुझ तक, तो 9882837038 यह नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूले, देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है मुकुलदेव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।